अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं तैयब स्पोर्ट्स चैनल। जी दोस्तों, ताज़तरीन अपडेट्स और ख़बरों के लिए तैयब चैनल को लाइक करें। जी दोस्तों, लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर ने 187 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। लाहौर कलंदर के क्रिस लिन की शानदार सेंचुरी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान सुपर लीग पायो में मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर को कामयाबी के लिए 187 रन का हदफ दिया। लाहौर के कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए जा रहे मैच में लाहौर कलंदर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और मुल्तान सुल्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। मुल्तान सुल्तान ने इनिंग्स का आगाज किया तो पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी टीम को अहम कामयाबी दिलाती हुई मोइन अली के विकेट बखेर दी और मुल्तान सुल्तान ने इस नुकसान से संभलने में जीते कि अगले ओवर में जीशान अशरफ भी पवेलियन लौट गई। 4 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद कप्तान शान मसूद और अली मुबारक की जोड़ी की विकेट पर आमद हुई और दोनों खिलाड़ियों ने जिम्मेदाराना खेल पेश करती हुई तीसरे विकेट की शराकत में 75 रन जोड़े। इस शराकत का खातिमा डेविड बीजी ने मुल्तान सुल्तान के कप्तान शान मसूद की 42 रन की इनिंग का खातिमा करके किया। रवि मुबारक से भी साथी खिलाड़ी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई और वह भी 33 रन बनाने के बाद बीजी की दूसरी विकेट बन गई। जबकि सीजन में पहला मैच खेलने वाले असद शफीक भी 1 रन बनाने के बाद रन आउट हो गई। 13वें ओवर में 91 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद मुल्तान सुल्तान मुश्किल में गिरे नजर आते थे, लेकिन इस मरहले पर फिस्तिल शाह ने जारहाना अंदाज का मुजाहरा करके मैच का नक्शा बदल दिया और रोहिल नज़ीर ने इनिंग्स के 15वें ओवर में अपनी टीम के लिए मैच का पहला छक्का लगाया और इसके बाद फिस्तिल शाह ने छक्कों की बारिश करते हुए रोहिल नज़ीर की हमरा 36 गेंदों पर 74 रन की शराकत कायम की, जिसमें रोहिल का हिस्सा 24 रन का रहा। मुल्तान सुल्तान ने मुकर 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए और आखिरी पाँच ओवर में मुल्तान सुल्तान ने 77 रन का इजाफा किया। मुल्तान सुल्तान के खुशदिल शाह ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करती हुई 29 गेंदों पर 6 छक्कों और 5 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 70 रन की इनिंग्स की। जवाब में लाहौर कलंदर ने शानदार खेल पेश करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर में ये हदफ हासिल कर लिया। लाहौर कलंदर पीसीएल की तारीख में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जी दोस्तों, ताज़तरीन अपडेट्स और खबरों के लिए तो ये चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।